G20 वो फोरम हो गया है जहां दुनिया की समस्याओं के समाधान निकाले जा रहे हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स का, पेट्रोल डीजल गैस कोयले का जो नुकसान हो रहा है उसका हल सब मिलके कैसे निकालें, क्योंकि इसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, उनको पेट्रोल डीजल से, तेल से उनकी कमाई हो रही है। और अगर आप ऐसा कह देंगे कि नहीं साहब इसको बदलना है, तो और बाकी लोगों के जो पूरा सिस्टम है, फैक्ट्रियाँ हैं, इंजन हैं, वो सब उस पर चलते हैं, वो कैसे चलेगा? कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ कनेक्टेड। अगर हम लोग बात करें कि फॉसिल फ्यूल की बात करें, अगर वो नहीं होगा तो आपको कोल जलाना पड़ेगा तो एनवायरनमेंट खराब होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे। लेकिन कई देशों की अर्थव्यवस्था में कोयला जो है इतना अहम है, कई देशों की अर्थव्यवस्था में तेल अहम है। तो ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना है। G20 समिट से दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा का संदेश। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान। दूसरे देशों से अलायंस में जुड़ने का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन को लेकर क्लियर रहते हैं। इसका एक और उदाहरण G20 समिट के पहले दिन देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने क्लीन एनर्जी के मोर्चे पर बड़ा ऐलान कर दिया। और एक बार फिर से पीएम मोदी पूरी दुनिया को लीड करते दिखे और उन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नए अलायंस की शुरुआत करते हुए दुनिया के देशों से इस अलायंस से जुड़ने का आह्वान किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। भारत के अलावा अमेरिका और ब्राजील इस नए अलायंस के फाउंडिंग मेंबर हैं। इस अलायंस के लॉन्च होने के बाद तीनों फाउंडिंग मेंबर समेत कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। उन देशों में अर्जेंटीना, इटली, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, UAE भी शामिल है। इस अलायंस का उद्देश्य बायोफ्यूल्स के मामले में वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाना और उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि फ्यूल ब्लेंडिंग के मामले में सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने भारत की ओर से प्रस्ताव दिया कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने की पहल की जाए। इसके विकल्प के तौर पर अन्य ब्लेंडिंग मिक्स भी खोजे जा सकते हैं। इससे व्यापक वैश्विक कल्याण के लिए स्टेबल एनर्जी सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायु की सुरक्षा करने में मददगार बताया। बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की G20 की अध्यक्षता में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो G20 में समझी नहीं जाती थी, और अभी मैं समझता हूं, जैसे अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन दिलाना, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस होना, और जो डॉक्यूमेंट है उसका आप सब्सटेंटिव कंटेंट जो है 83 पेजेस में आप पैराग्राफ्स में देखेंगे तो ये बड़ी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। हालांकि पीएम मोदी ने इस अलायंस का संकेत पहले ही दे दिया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत बायोफ्यूल पर ग्लोबल अलायंस की आधिकारिक शुरुआत कर सकता है। केंद्र सरकार की ओर से फरवरी में ही बताया गया था कि भारत, अमेरिका और ब्राजील मिलकर इस तरह का अलायंस तैयार करेंगे। इसका दूसरा पहलू ये है कि भारत, अमेरिका और ब्राजील वर्तमान समय में दुनिया के प्रमुख बायोफ्यूल उत्पादकों में से एक है। अब आपको बायोफ्यूल का क्या मतलब है वो बताते हैं। बायोफ्यूल का मतलब पेड़ पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन है। बायोफ्यूल्स को कई तरह से बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जुलाई की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि दुनिया की ऊर्जा प्रणाली को 2050 तक नेट जीरो एमिशन की दिशा में लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए वैश्विक टिकाऊ बायोफ्यूल उत्पादन को 2030 तक 3 गुना करने की आवश्यकता होगी। बायोफ्यूल को पेट्रोलियम ईंधन की तुलना में पर्यावरण के अधिक अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से कम प्रदूषण होता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी ने किसी नए अलायंस का ऐलान किया है।
इससे पहले भी पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का ऐलान किया था, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो राष्ट्रपति बाइडेन निकल चुके हैं और ये ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की हमने बात की। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस एक बड़ी बड़ी समस्या दुनिया भर की, जो जैसा हम बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल कोयले की गैस की, उसको उसके समाधान के लिए, क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इस पर निर्भर हैं। अभी तक तो ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं इसी पर निर्भर हैं। अगर हमें बायोफ्यूल्स की तरफ जाना है, अगर इनको रिप्लेस करना है, अगर पेट्रोल डीजल गैस कोयले का इस्तेमाल कम करके ख़त्म करना है, तो वो कदम सबको मिल के आगे बढ़ाना पड़ेगा। और सब अगर इधर उधर धड़ों में बटे रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो इस G20 ने दिखाया है कि इन सब समस्याओं के बीच में से सबको मिलके समाधान निकालना है तो निकल सकता है। तीसरा सेशन शुरू हो चुका है जिसका नाम है वन फ्यूचर, भविष्य दुनिया का कैसा होगा उस पर बात हो रही है। हम ब्रेक ले रहे हैं।